डाले का काम भी चल रहा है अपना, और चैनल तो ये का भी काम चल रहा है। ये देखो नया डला दिया है, और ये देखो इस साइड भी नया डला रहा है। रेडिएटर ऑयल की कंडीशन चेक करो भाई, कितना गंदा ऑयल लीक हो रहा है। इसके चक्कर में हमें अपना रेडिएटर भी खुलवाना पड़ा है। भाई एक बार सेल अप की कंडीशन देख लो कितनी गंदी है भाई। ये बारिश के कारण हुआ है, जो भी हुआ है चेन्नई में जो बाढ़ आई थी उसमें हम फंस गए थे उस टाइम पे। तो ये देख लो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। हमारी गाड़ी आ चुकी है और हमारी अब छुट्टियां ख़त्म। गाड़ी में काम चल रहा है हब ग्रीसिंग का। तो ये हब खुल चुका है और इसका ना ये देखिए पूरा लेदर ख़राब हो चुका है, ये अपने आप से टूट गया है। और ये हमारे लेदर बदल रहे हैं, ये आपकी ग्रीसिंग की कंडीशन देखिए। और ये टायर दबा रही थी इसलिए हब ग्रीस भी कराना पड़ा। एक लास्ट काम यही बचा था, वो भी किए जा रहे हैं। ये अपने टायर खुले पड़े हैं इधर, और ये है अपने मिस्त्री साहब। तो अपनी गाड़ी का सेलअप भी भाई दिक्कत कर रहा था, सेलअप भी खुलवा रहे हैं और खुलने के बाद दिखाता हूँ मैं क्या कंडीशन निकलती है इसकी। और इधर भाई हमारे मिस्त्री साहब निकाल रहे हैं हमारी गाड़ी से डीजल, क्योंकि हब को धोना है। तो भाई ये देखो सेलअप की कंडीशन, चेन्नई में बाढ़ आने के कारण ये सेलअप में पानी चला गया था। जब देखो ये क्या कंडीशन हुई है भाई, पूरा ये समझ लो ख़त्म हो गया। चलो भाई रिपेयर करा लिया है और चलते हैं फिर अपनी गाड़ी के पास। हमारा हो गया काम सेलअप का, पीछे टायर का हो गया है अब ग्रीस, और टायर चढ़ा रहे हैं हमारे पीके भाई। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा रेडिएटर खुलवाया है मैंने, अब ये मिस्त्री साहब लगे पड़े हैं हमारे, ये हटेंगे जब दिखाऊंगा क्यों खुलवाया था। तो भाई ये देख लो कंडीशन, इसलिए खुलवाया है रेडिएटर, बिल्कुल ऑयल लीक हो रहा है, लीक होना मुझे पसंद नहीं है। ये चीज़ में अपने काम चल रहा है, हमने क्या है नाश्ता, नाश्ते में भाई पूरी सब्जी जो कि आगरा की श्रीराम पूड़ी वाले की मशहूर है। तो ये लास्ट तो हमारे आपकी कंडीशन देखिए, बिल्कुल ही नाजुक हुई पड़ी है क्योंकि इसकी सील कट गई थी। देखो ग्रीस की कंडीशन देख लो, और ये देखो भाई नक्सल, और अंदर चल रहा है भाई अपना ऑयल निकासी, क्योंकि ऑयल भी पूरा ख़राब ही लग रहा है ये मिस्त्री साहब बता रहे हैं हमारे। तो भाई हो गया अपना हब का काम, और ये कर रहे हैं फिटिंग, और लेदर भी जड़वा दिए इसमें। तो अभी आगे चल रहे हैं, देखो इंजन की कंडीशन देखो भाई, पूरी प्लेट खुल के जब सील डली है इसकी, और फिर ये डल जाएगी सील तो फिर लास्ट का ऑयल डलेगा क्राउन का। तो ये डल रहा है भाई क्राउन ऑयल, देखिए हमारे छोटू उस्ताद डाल रहे हैं, क्राउन ऑयल भी चेंज करा दिया हमने। अब आ गया रेडिएटर कसने का टाइम, तो रेडिएटर कस रहे हैं भाई पीके भाई और हमारे मिस्त्री भाई, देख लो भाई। तो ये दोनों रेचेट भी चेंज कराए मैंने, अगले और पिछले, ये देखो ये पड़े ना चार रेचेट, पीछे के चारों रेचेट चेंज कराए, ये देखो इनकी भी कंडीशन। गाड़ी का जो मैकेनिक का काम होता है इंजन का, उसका तो हो गया फ्री। अब हम आए हैं बॉडी वाले के पास, देखो डाला कटवा दिया है, डाला और वो जो चैनल रहते हैं वो चैनल, तो डाला कटिंग चल रही है उधर ये डाला। तो ये देखिए कंडक्टर साइड का चैनल पाइप का काम तो हो गया पूरा, बस थोड़ा सा बचा है, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा नया चैनल है, नया पाइप है, और इधर साइड बस चैनल लगा रहे हैं, पाइप बाद में लगाएंगे। तो भाई अपना ये देखिए पूरा पीछे का ब्रेक बत्ती का जाल, और ये अपना डाला कंप्लीट हो गया बनके, बस चढ़ना बाकी है। शाम हो गई है, मुझे लग रहा है पूरी रात हो जाएगी, जब रात हो जाएगी तो पीडो नहीं बना पाऊंगा मैं, पीडो फिर कल दिखाऊंगा तुमको बना के। तो कल ट्रांसपोर्ट नगर में हमको हो गई थी रात, और फिर हम आ गए सुबह अपने घर। एक बार डाला देख लो, डाला इस तरह का बना है, और ब्रेक बत्ती की जो साइड की जो जाल रहता है वो इस तरह का बना है, और ऊपर के दो पाइप लगी गए, और दो बत्ते हमने बनवा लिए जो कि अभी कसने हैं। लेकिन हम लोडिंग के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ की लोडिंग के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और कितना भाड़ा है वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमारा जो खर्चा है डाला और ये बत्ती, ये जो जाल और ऊपर का चैनल पाइप, इसमें हमारा 14-15 हज़ार के आसपास खर्चा आ गया, और जो परसों काम कराया था उसमें भी 14-15 हज़ार का खर्चा आया था, टोटल 30 हज़ार रुपये खर्चा आ गया हमारा। तो अब निकल रहे हैं हम लोडिंग के लिए, लोडिंग में अपने अगले ब्लॉक में दिखाएंगे क्या लोडिंग कर रहे हैं और कहाँ के लिए कर रहे हैं, क्या रेट में कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉक में, प्यारी सी राधे राधे।